कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा, पूर्व पार्षद 9889888555। प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन, वरिष्ठ पार्षद 9450037469। अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन, अंचल 9415112333। महामंत्री डॉक्टर अक्षर जैन टड़ैया 9415059458। सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलैया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज, ललितपुर, उत्तर प्रदेश 284403। खाता नाम श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल मंदिर, स्टेशन रोड, ललितपुर। खाता क्रमांक 5269974732। IFSC कोड CBIN02832977। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा। अपराणिक प्रश्न स्वाध्याय विराम नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयदियाणं नमो वक्षायाणं नमो लोये सर्वसाहूणं। पंच परमिष्ठी भगवान के आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की, मुनि पंगव नर्यापक सर्वान मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 पूज्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जय। आज की प्रथम जिज्ञासा में राजीव जैन से प्रार्थी अमर पाटन, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि आचार्य श्री द्वारा रचित संयम उपदेश भाग 5 पेज 27 में आया है कि 9 कर्म के आधार पर कर्म का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आत्मा चला जाता है तो भी औदारित शरीर असंख्यात पुद्गल काल तक बना रह सकता है किंतु काम नहीं आता। कृपया समाधान देने की कृपा करें। ये कर्म सिद्धांत पूज्यवर भीमसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला जी में लिखा है। काय स्थिति है, यानी ये शरीर से आत्मा निकल जाने के बाद भी ये शरीर यथावत असंख्यात कल्प काल तक यथावत रह सकता है, कुछ भी परिवर्तन नहीं। जैसी चमड़ी है ऐसी चमड़ी, हड्डी मांस यथावत रह सकता। यथा स्थिति करी काय स्थिति, यानी आत्मा निकल गया फिर भी शरीर यथावत इतने काल तक की स्थिति है। मान लो ऊपर की चमड़ी आदि अलग भी हो जाए तो ये हड्डियाँ कितने साल तक रह सकती हैं, असंख्यात वर्षों तक ये ढांचा शरीर अपनी यथाशक्ति बनाया जाता है। ऐसी काय स्थिति कही, कर्म स्थिति, नौ कर्म स्थिति, नौ कर्म में भी काय की स्थिति, अधिकतम औदारिक शरीर की काय की स्थिति, असंख्यात कल्प काल तक रह सकता है आत्मा के बिना। आत्मा के साथ रहता वो तो 3 पल तक अधिकतम रहता है वो घूमे, लेकिन आत्मा निकलने के बाद डेड बॉडी इतने काल तक एक साथ पड़ी रहती है। अभी बता रहे हैं 150 साल पुरानी मम्मी निकल रही है, 15 फुट की मम्मी निकलेगा। 15 फुट की मम्मी का अर्थ क्या हो गया,
नौ हाथ की काया थी पारसनाथ की, सात हाथ की काया थी महावीर स्वामी की, तो नौ डेवड़ा है साढ़े तेरह, साढ़े तेरह हाथ के पारसनाथ भगवान के समय पर थे। इसका अर्थ है कि नैमिनाथ और पारसनाथ भगवान के समय का एक मुर्दा मिला, हालांकि उसमें हड्डियां ही मात्र, हड्डी का ढांचा मिला, चमड़ी आदि कुछ भी नहीं थी, लेकिन 15 फुट का ढांचा मिलना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये स्थिति मानना चाहिए इसका। ब्रह्मचार्य ने पिंकी दे दी सिरोंज, मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, ओम ह्रीम नमो जनाणम झीम झोम नमः, इसका क्या अर्थ है और जो इस रिद्धि मंत्र का जाप करता है उसको क्या फल मिलता है? नमो जनानम जो है, नमो जनानम का जो स्थितियाँ हैं, ये तो जन भगवान को नमस्कार किया गया, झीम झोम नमः, ये जो बीजाक्षर के साथ जोड़े गए हैं, इन बीजाक्षरों के साथ में अलग ढंग का प्रस्ताव बनता है, अलग स्थितियाँ बनती हैं, क्योंकि झीम और झोम किस अर्थ में जोड़ा गया है, किस प्रसंग में जोड़ा गया है, यह सारी बातों को विचार करना पड़ेगा। ऐसा ही झीम झोम शब्द जोड़ देने से काम नहीं चलेगा, पहले उस देखना पड़ेगा किसने किस प्रसंग में जोड़ा है, और वो अरहंत भगवान के साथ में ये बीजाक्षर बैठता भी है कि नहीं बैठता, ऐसे ही नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इसके लिए ध्यान करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, इसका रंग, इसका स्वाद, इसका स्पर्श, इसकी गंध, इन बीजाक्षरों की लेना पड़ेगी, तब उसके लिए सब बता पाएंगे अभी। लेकिन ये बीजाक्षर क्यों जोड़े, किसने जोड़े, कहाँ जोड़े, वो सब चीज़ों का पूरा डिटेल इसमें जब मिलेगा कि आपने कहाँ से लिया है, किसने जोड़ा है, वो प्रसंग यदि लाया जाए तो इसका अर्थ बताया जा सकता है। गजरा बंदरा जैन भिलाई रसाली, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि पुराण ग्रंथों में ऐसा उल्लेख आता है कि पमनज जय अपनी सेना को सोता हुआ छोड़कर क्षण मात्र से अंजना के पास गए थे और वापस भी चले गए थे, किसी को इस घटना की भनक भी नहीं लगी, परंतु बाद में अंजना को ढूंढने के लिए पमनज जय को दर दर की ठोकनी खाना पड़ी, बन बन भटकते फिरे और अंत में निराश होकर वृक्ष के नीचे हार मानकर अन्न जल छोड़कर बैठ गए। तो जिज्ञासा यह है कि पमनंजय तो विद्याधर थे, अतः विद्या के बल से उन्हें अंजना को क्यों नहीं जाना? विद्याधर थे, अवध ज्ञानी थोड़ी थे, और दूसरी बात है अशुभ कर्म का जब उदय आता है ना तो अवध ज्ञान भी लोग भूल जाते हैं। आदिनाथ भगवान जब 7 महीने 8 दिन निराहार घूमे तब भरत बाहुबली को आविध ज्ञान था, सर्वार सिद्धि से आए थे, शौधरबिंद के पास भी अवध ज्ञान था, पर कोई अवध ज्ञान किम करता मूड हो जाते जब कर्म का उदय आता है। अंजना का ऐसा कर्म का उदय था, उस कारण से कुछ भी बुद्धि काम नहीं करती, और जैसे ही कर्म का उदय खत्म हुआ तो देखो कहाँ से लौटे, युद्ध के बीच में से लौट के आ गए, और किस प्रकार से फिर उनका वार्तालाप हुआ, तो ये सारी की सारी कर्म की बड़ी विचित्र दशा है। हम कर्म सिद्धांत को जब समझें और पढ़ें तो ये सारे रहस्य अपने आप प्रकट हो जाते हैं। अनीता जैन धनोत्या सिंगोली मध्य प्रदेश, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, अपने नए मकान के फ्रंट पर नमो जना नाम लिखवा सकते हैं, इसमें कोई दोष तो नहीं है? नहीं, दोष तो नहीं। जिज्ञासुगण गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, यह जानना है कि यदि कोई दंपति अष्टमी चौदस को संयम से रहने का आजीवन व्रत लेते हैं और रात्रि में 9 बजे के बाद जल ग्रहण नहीं करेगा, ऐसा छोटा सा नियम रखता है, तो क्या इतना छोटा नियम भी उसे 3 गतियों में ना ले जाकर देव गति में ले जाने के कारण हो सकता है क्या?
ऐसे छोटे छोटे नियम नहीं चलेंगे। और दूसरी बात है कि मैंने कहा था ना कि मृत्यु पर्यंत तक मौत भी सामने खड़ी हो तब भी नहीं टूटना चाहिए, तब ये बात होगी तब जनता। नमो जनानम के साथ में जो झीम झोम शब्द जोड़ रहे हैं, ये बीजाक्षर कैसे बैठा ला, किसने बैठा ला, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बीजाक्षरों को यदवा तदवा बैठा के तुम माला माला फेर के और पागल और नहीं हो जाओ। आप लोग ग्रस्त हो, सीधे बीजाक्षर न पढ़ के कोई विक्क साधु अपनी साधना से कोई बीजाक्षर बैठालता है उनको आप जाप के रूप में देखें। मंत्र और दवाई सबसे नहीं ली जाती, मंत्र और दवाई, नीम हकीम खतरे जान, दवाई ली जाती है वैद्य से, जो वैद्य हो, वैद्य का विश्वास हो, वैद्य उस मर्ज का जानकार हो। और मंत्र भी हर व्यक्ति से नहीं लिए जाते, कहीं भी मंत्र पढ़ लिया, कहीं भी मिल गया, नहीं, मंत्र को देखो, ये मंत्र किसने दिया है, क्या वो इस मंत्र का ज्ञाता है, क्या उस मंत्र की साधना की है, क्या उस मंत्र के साइड इफेक्ट को जानता है, तभी आना नहीं चाहिए। जो चाहे मंत्र देवे जहाँ कहीं लिखो और जोड़ दिया। ये जनानम के साथ झीम और झोम शब्द जोड़ा है, इस पर अभी विचार नहीं है कि अरहंत के साथ बैठेगा कि नहीं, और अरहंत के साथ बैठेगा तो जिनेन्द्र भगवान के साथ बैठेगा कि नहीं। जिनेन्द्र भगवान के साथ बैठ गया तो नमो जनानम रिद्धिधारी के साथ बैठेगा कि नहीं, ये सारी चीज़ों पर विचार करना है। ऐसे नहीं, आप ग्रस्तों को परिचित वाले मंत्र ही लेना चाहिए, जिनका दाता पता हो, देने वाला प्रमाणक हो और तुम्हारे लिए कोई साइड इफेक्ट ना हो। कमलेश जैन एमलिया दमोह मध्य प्रदेश, मेरे परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि तन में बुखार आने से एवं मन में विकार आने से, तन का बुखार दुख किसी भी डॉक्टर के द्वारा ठीक हो जाता है, हो सकता है, लेकिन हमें मन के विकार दूर करने के लिए किस प्रकार का प्रयत्न करना चाहिए? तत्व चिंतन करना चाहिए, फलाफल पर विचार करना चाहिए, हानि उपादान पर विचार करना चाहिए। मानसिक विकृति मात्र हानि और लाभ पर ही रोकी जा सकती है। इन विचारों से हमें हानि क्या है, इन विचारों से लाभ क्या है, और जब ये निर्णय हमारे मन में बैठ जाएगा तो मन अपने आप निर्विकृत हो जाता है। स्वाध्याय मंडल बड़ा गांव धसान गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आचार्य मानतुंग जी को राजा ने दरबार में बुलवाया पर मुनिराज किसी की आज्ञा नहीं मानते, इसलिए नहीं गए। परंतु जब परम पूज्य श्री जिनसेन आचार्य श्री को दरबार में बुलाया गया तब भी मुनिराज दरबार से उपस्थित कैसे हो गए? क्योंकि कभी कभी धर्म की रक्षा के लिए राजा की आज्ञा का मानना नहीं मानना तो वो सबको मरवा डालेगा। और आताताई राजा और हो, उस समय राजा इतना आताताई था कि यदि नहीं जाते हैं तो और अनर्थ हो जाएगा। जिनसेन स्वामी को खंडेला में प्रवेश करना पड़ा कि वहाँ ऐसी स्थिति बन गई कि लोगों ने भ्रम फैला दिया कि साधु संतों को अग्नि में होम कर दो तो इतनी सिद्धियाँ हो जाएंगी, राज बढ़ जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगी। जब वे लाखों मुनियों को, हजारों मुनियों को वहाँ होम दिया तब जिनसेन स्वामी दहल गए। जैसे विष्णु कुमार मुनिराज चतुर्मास में भी 700 मुनियों की रक्षा के लिए, तब जिनसेन स्वामी ने जाकर राज दरबार में कहा कि आपने इतने साधुओं का अपमान किया और प्राण लिए, क्या आपकी महामारी दूर हुई? बोले नहीं हुई। अब मैं कहता हूँ कि 5 दिन तक इन्हीं पंच परमेष्टियों की आप पूजा कीजिए, देखो उसका चमत्कार क्या होता है। यदि नहीं हुआ तो बोले भाई आपके सामने हो, आप मार देना। 5 दिन तक पंच परमेष्टि विधान हुआ, महामारी दूर हो गई और राजा ने फिर पश्चाताप करके इतनी बड़ी जैन धर्म की स्थापना की, पूरा खंडेल राज्य को जैन धर्ममय घोषित कर दिया। 10वीं शताब्दी की बात है।
दसवीं शताब्दी में, और उसी के बाद फिर एक नई जाति की उत्पत्ति हुई, इसे खंडेलवाल कहते हैं। ऐसा कस्तु चंद जी कासलीवाल ने एक घटना को उल्लेखित किया है। ऐसा सुविभित जैन रामगंज मंडी गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है, आजकल देखने में आता है कि कई लोग रात्रि भोजन का त्याग तो करते हैं, किंतु उसमें से अपनी सुविधा अनुसार दिन महीने में 3 दिन या 4 दिन की ऐसी छूट रखते हैं, और उस छूट का उपयोग उस दिन करते हैं जब उनकी किसी की शादी की पार्टी में जाना हो या होटल में आना हो, उसी दिन रात्रि में भोजन करते हैं। तो महाराज जी, यह किस प्रकार का त्याग सही है या गलत? ये अभ्यास कहलाते, नियम नहीं कहलाते, अभ्यास कहलाते। ठीक है, अभ्यास कर रहे हैं, चल रहे हैं, नियम नहीं कहलाता। कुछ जैसे नियम होते जिनमें ये मूल गुण कहलाते हैं, मूल गुण में नियम नहीं चलते। आज जो अष्टमूल गुणों में भी एक रात्रि भोजन भी आता है दो मतों के अनुसार, तो ये मूल गुण है, मूल गुण में छूट वगैरह नहीं चलती। यदि ऐसी छूट कोई आप लोग और ले लें, तो मान लो मुनि महाराज ले लें, मैं कि हम खड़े होकर हार करते हैं, नहीं महीने में 2-3 बार, ज़्यादा गड़बड़ नहीं करेंगे, ज़्यादा ही नहीं, एक दो बार बैठ के ले लेंगे, क्या बात है। नहीं 28 दिन तो बोलो कैसा रहा। नहीं केशलंज करूंगा, बस साल में एक आध कैसे चलेगा। मूल गुणों में कोई छूट नहीं होती है। मूल गुण इसलिए उसका नाम रखा जाता है जिसमें किसी प्रकार की छूट नहीं। वस्तुतः रात्रि भोजन में अभी तक हमें कोई एक उदाहरण ऐसा नहीं मिला पूरे शास्त्र में जिन्होंने रात्रि भोजन में कोई छूट रखी हो। भक्ष में छूट होती है, अभक्ष की छूट रही। क्या कहा, जो करने योग्य है भक्ष उसमें छूट होती है। महाराज जी हम मांस नहीं खाएंगे, मांस महीने में 1 दिन की छूट रखेंगे। क्या 1 दिन की छूट रखेंगे? नहीं चलेगा 1 दिन, क्या 1 सेकंड का भी नहीं चलेगा। हाँ आप ये कह सकते हैं महाराज जी हम एप्पल खाते फल खाते हैं 1 दिन नहीं खाएंगे, चलेगा 1 दिन खाएंगे महीने में। क्या ये भक्ष है? जो करने योग्य है उसमें छूट रखी जा सकती है, जो करने योग्य है ही नहीं उसमें छूट रहने में नियम नहीं माना जाएगा। पूरे आगम में मुझे एक उदाहरण नहीं मिला जिसमें रात्रि भोजन में किसी ने छूट रखी हो। जितने उदाहरण मिले, पशुओं तक के उदाहरण मिले, तो यही मिला है कि उन्होंने चारों प्रकार के आहार का त्याग किया है और पूर्ण किया है। ये आपका जैनियों का मूल गुण है, इस मूल गुण में ऐसी छूट रखते हैं, वो व्रत और नियम तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अभ्यास कर रहे हो तो करते रहो। डॉक्टर दीपक जैन ललितपुर, मेरे परम सिद्ध परम आराध मेरे हृदय में विराजमान भगवान तुल्य मुनि श्री निर्यापक सेठ मुनि श्री सुदासरा जी के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है कि भाई दूज का जैन धर्म में क्या महत्व है, और दूज की पूजन घरों में व प्रतिष्ठान में आगम के अनुसार कैसे करना चाहिए, तथा द्वादश वर्षीय पाठ्यक्रम में चतुर्वर्ष की परीक्षा में बिना पढ़े पास हो गया आपके कहने पर परीक्षा दी थी, अब पंचम वर्ष और भी कठिन है, आगे क्या करूँ, क्योंकि पढ़ने का स्वाध्याय करने का समय मिलता नहीं है। बस आपकी जिज्ञासा समाधान ही सुनता हूँ, कृपया भगवान राह दिखाने की कृपा करें। दो प्रश्न बिल्कुल विपरीत, पहला क्या था? पहला भाई दूज के जैनागम में कोई उल्लेख नहीं, कोई चर्चा भी नहीं, कहीं भी इस दूज का कोई उल्लेख नहीं पाया गया, ना कोई पूजन, ना कोई दीपक, ना कुछ भी उल्लेख नहीं। अब लोग मनाते आए परंपरा रूढ़ियाँ हैं बना देते हैं, और द्वादश वर्षीय कोष अब धीरे धीरे तो कठिन होता ही है, स्कूल का कोर्स भी तो धीरे धीरे कठिन हो जाता है, बोर्ड का करते हो तो और कठिन हो जाता है, तो कठिनाई तो आएंगी, तभी तो कुछ होगा। अब शास्त्र हैं तो उनको पढ़ना है, आप पढ़िए, आप श्रद्धा से पढ़िए। आप एक नियम ले लीजिए
कि हमारे कोर्स में है, मैं उसको एक बार पढ़ूंगा। याद भी नहीं हो तो कोई बात नहीं, स्मृति में ना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कोर्स में है तो एक बार पढ़ने का कर्तव्य तो कीजिए। और मुझे विश्वास है अच्छी श्रद्धा से पढ़ोगे तो इतना तो याद रह जाएगा कि परीक्षा में पास हो जाओगे। इनका कहना है महाराज जी दुकान पर कैसे मनाए, दोज के लिए दुकानों पर ही मनाते हैं, है ही नहीं कहीं उल्लेख ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। संपदा जैन श्री गजवंता श्री सिद्धसेठ जी, गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। आपकी जिज्ञासा है स्वर्ग के देवी देवताओं के एक साथ अनेक उत्तर शरीर निकलकर अलग अलग क्रिया कर सकते हैं क्या, जैसे कोई उत्तर शरीर जिनेन्द्र भगवान की पूजन आदि करते समय अन्य उत्तर शरीर अन्यत्र कहीं कुछ अन्य कार्य कर रहा हो, और देवों के कंठ से अमृत झरना यह उनके मूल शरीर में होता है उत्तर शरीर में भी होता है, और देव नाना प्रकार की विक्रियाएं बनाई जा सकती है, विपरीत विक्रिया, एक भगवान के जा रही है, एक नरकों में जा रही है बढ़ाने के लिए, एक समोषण में जा रही है, तो उनका उपयोग बदलता रहता है। और अमृत जो झरता है वो मूल कंठ से मूल शरीर में ही झरता है, उसी से अनुभव करते हैं। ऑनलाइन जिज्ञासाओं के पश्चात जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल के समक्ष विराजित सभी गुरु भक्तों की ओर से और साक्षात यहाँ पर गुरु चरणों में विराजित सभी मुनि भक्तों की ओर से पूज्य मुनि द्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में प्रथम जिज्ञासा रखेंगे हमारी पंचायत समिति के शिक्षा मंत्री श्रीमान संजय जी मोदी, इसके बाद तैयार रहें श्रीमती सीमा अनूप जैन टीकमगढ़। गुरुदेव आपके पावन आशीर्वाद से इस अभिनंदनोदय तीर्थ में जो असीम कालीन भक्तांबर पाठ चल रहा है उसमें आजीवन भक्तांबर पाठ करने का संकल्प लिया है श्रीमान भागचंद विवेक कुमार जैन डेरा पहाड़ी छतरपुर मध्य प्रदेश परिवार की ओर से। और गुरुदेव ललितपुर के सारे मंदिरों में आपके पावन आशीर्वाद से जो निर्माण कार्य जीर्णोद्धार चल रहा है इसी क्रम में नए मंदिर में विगत 25 वर्षों से निवासरत श्रीमती राजमती जैन, विकास कुमार जैन कचनौंदा, पूजा जैन संयम, ये गुरुदेव धर्मशाला में किराएदार के रूप में रह रहे थे, चाबी गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर रहे हैं, कृपया आ जाएं और बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो जिस पोजीशन में रह रहे थे बिल्कुल मंदिर की पीठ थी एक दोस्त, दूसरा मंदिर की जगह थी दूसरी दोस्त, तो वहाँ पर इनकी स्थिति ऐसी है कि ये पनप ही नहीं रहे थे। अब आज से इन्होंने भगवान की पीठ छोड़ कर के कहा आज से इनका आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा, और ऐसा अब बढ़ेंगे तो ये अपनी किस्मत से, लेकिन निमित्त भी कोई चीज़ होती है। बहुत अच्छा जिज्ञासा करें श्रीमान संजय जी मोदी शिक्षा मंत्री, और इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सीमा अनूप जैन टीकमगढ़। पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुदेव यूं तो जब से ललितपुर की जैन और जैनेतर समाज को आपका पावन आशीर्वाद और सानिध्य मिला उसका वैभव हम लोग ये कालजयी तीर्थ के रूप में देख रहे हैं। एक छोटी सी जिज्ञासा है कि पिछले चातुर्मास में आपके सानिध्य में एक यात्रा देवगढ़ के लिए निकाली जानी थी और उसका रोड मैप पहले देखा गया था कि यहाँ से यात्रा कैसे जाएगी, तो बहुत सारे कमेटी वाले गए थे और यात्रा का देखा कि रेलवे क्रॉसिंग से रथ नहीं निकलेगा, और पूज्य गुरुदेव वो रथ यहाँ से गया और आप रेलवे क्रॉसिंग पे खड़े हुए और बताया गया था कि बिना टॉप के निकल पाएगा रथ, लेकिन आपके सानिध्य में विद टॉप वो रथ निकल गया जिसकी ऊंचाई क्रॉसिंग से ऊपर थी। क्या चल रहा है वो गुरुदेव, क्या आश्चर्य ऐसा था कि रथ बिना उसके निकल गया क्रॉसिंग पे बिना टॉप हटाए, वो कुछ ऐसा क्या जादू था जो हम लोग नहीं समझ। आम से मतलब है कि गुठली से आपका रथ निकल गया, बस खत्म बात हो गई, गुरुदेव देख नहीं पाए हम लोग। रहस्यों को बताया नहीं जाता, रहस्य का समय आने पर उपयोग कर लिया जाता। नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। मैंने बता दिया ना तो द्वारा अटकेगा तो फिर वो काम नहीं करेगा। जिज्ञासा करें श्रीमती सीमा अनूप जैन टीकमगढ़, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान रूपेश जी देशबंधु आरोन। श्री 108 मुनि पुंगव निरापक श्रमण सुधा सागर जी महाराज जी के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज टीकमगढ़
महावीर मैत्री बहला मंडल टीकमगढ़ और मेरे परिवार की ओर से ज्यादा समय मत लो। नमोस्तु नमोस्तु बोलकर शुरू किया करो, अपना परिचय आदि देना ठीक नहीं है। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है, मैं एक अध्यापिका हूँ तो मैं समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मैं रहती हूँ, इसलिए सभी लोग अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि आपके महाराज जी और माता जी के विषय में संलेखना होती है, तो उसके उत्तर में मैं उन्हें क्या समझाऊं, कैसे समझाऊं कि संलेखना क्या है, कैसे की जाती है। संलेखना का मूल अर्थ है, जैन दर्शन मरने की बात नहीं करता, जब मर ही रहे हैं तो हंसते हंसते मरने का नाम संलेखना है। मरना नहीं हुआ हमारे यहाँ, मरने का तो निषेध किया उसी संलेखना में कहा, जीवित मरना संसा मित्रानुराग सुखानुबंध निदानानि। जीवित मरना, मरने की इच्छा करना संलेखना नहीं है, उसमें तो अतिचार का, जो मरने के भाव सोचता है अतिचार है। तो इस प्रकार की स्थिति में मरने का सवाल ही नहीं, जब मर ही रहे हैं तो जैन दर्शन कहता है हंसते हंसते मरो ना, जब सब छूट ही रहा है तो छोड़ के मरो ना, जब छूट ही रहा है सब छूट नहीं है तो अपने आप बोल दो ना कि हम छोड़ के सब छोड़ते हैं। तो जैन दर्शन वह प्रकृति के नियम को हंसते हंसते फॉलो करने की जो कला है उसका नाम है संलेखना। इसके ऊपर एक बार बहुत बड़ी गोष्ठी उदयपुर में हुई थी भगवती आराधना पर, उसको आप पढ़ लें तो सारे कहीं से उपलब्ध हो जाए, तो उसमें सारे समाधान किए हैं कि संलेखना क्या है और आत्महत्या क्या है। जिज्ञासा करेंगे श्रीमान रूपेश जी देशबंधु आरोह, तैयार रहें श्रीमती सपना जी ईश्वरबारा। महाराज श्री आपके श्री सानिध्य में जो अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र का जीर्णोद्धार चल रहा है और पूर्णता की ओर है, और साथ ही केवल अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र नहीं ललितपुर की हर एक कॉलोनी में सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार कार्य चल रहा है, इस कार्य में जो आपने दान की महिमा बताई है, उस दान की महिमा में केवल बड़े बुजुर्ग नहीं जो लाखों करोड़ों कमाते हैं, केवल महिलाएं नहीं, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी बहुत उत्साहित हैं और अपनी पॉकेट मनी अपनी गुल्लक में से पैसा जोड़ करके आज एक टीम आई है हमारे पास बच्चों की, जिन्होंने बड़े मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए 11,000 रुपए की राशि एकत्रित की है और वो मंदिर के लिए समर्पित करना चाहते हैं। आ जाए भरतेश जी, आरजो जी, दिवाली के फटाखों का है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने पटाखे नहीं जलाए और मंदिर निर्माण के लिए ये राशि समर्पित कर रहे हैं। भरतेश जी, आरजो जी, अनुश्रुत जी, अनिकांत जी, सिद्धि जी, सौरी जी, जय जी, अतिशय जी, आगम जी, अर्थ जी, अनिमेश जी, सिद्धेश जी और समस्त मित्रगण, पूरी इनकी टीम है, पूरी टीम ने ये राशि समर्पित की है। जोरदार करतल ध्वनि से ऐसे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। जिज्ञासा करें भाई रूपेश जी, तैयार रहे श्रीमती सपना जी ईश्वरबारा। पूज गुरु के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरु जी, मेरी समस्या है, मेरी जिज्ञासा है कि सुबह जैसे सर्दियों में सूर्योदय लेट होता है तो सर्दियों में अभिषेक का जल कितने समय खींचा जाए, अभिषेक का जल सुबह कितने बजे, सूर्योदय के बाद कितने बजे खींचा जाए, सर्दियों में सूर्योदय लेट होता है माता महाराज श्री। सूर्योदय का समय देख लो सर्दी का, बस वही है। अच्छा, जो समय क्योंकि गर्मी का अलग होता है, सूर्योदय का सर्दी का अलग होता है, जो सूर्योदय का समय है उसी समय उसका उपयोग करना चाहिए। पूछना क्या है जी, पूछना सर कितने समय सूर्योदय, कायदा से सूर्योदय के 24 मिनट बाद, लेकिन फिर भी सूर्योदय के साथ में भी यदि आप करते हैं, बस इतना कम से कम आप पाल रहे हैं, अंधेरे में नहीं लेना बस। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती सपना जी ईश्वरबारा, इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी ये जो बच्चों की टीम आई थी उनके नेता लीडर श्रीमान भरतेश जी वैद्य। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मेरा नया घर बना हुआ है और मैं उसका उद्घाटन करना चाहती हूँ 24 घंटे भक्तांबर के साथ यंत्र जी रखकर, तो क्या मैं यह कर सकती हूँ? और मेरा यह एक और प्रश्न है कि मेरा परिवार बड़ा है तो उसमें आए दिन सूतक पातक होते रहते हैं, तो हम लोग एक एक महीने मंदिर ही नहीं जा पाते, तो पीढ़ियों के हिसाब से इसे किस तरह कम किया जाए, क्योंकि चतुर्थ पीढ़ी तक तो अब इंसान रहती नहीं है, तो कम कैसे किया जाए ये भी संदेह। जो आगम में लिखा है चतुर्थ पीढ़ी तक, वो तो मानना पड़ेगा, चार पीढ़ी के बाद कम होता गया,
रही बात मकान में भक्ताम वाला दी पाठ करने में कोई बाधा नहीं, कल भी मैंने बताया जिज्ञासा करेंगे। एक व्यक्ति है बहुत अच्छे, कई लोग क्या होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जो गृहस्थी को अपनाते हैं। मैंने कहा ना कि कोई महान पुण्यात्मा जीव कभी कहीं गिरता है तो ये मानना चाहिए वो किसी को उठाने के लिए गिरा है। आचार्य श्री की मातेश्वरी और जो संसार में प्रवेश किया तो उन्होंने संसार में प्रवेश नहीं किया था, वो आचार्य विद्यासागर का जीव कह रहा था कि तुम संसार में जाओ नहीं तो हम पैदा कहाँ होंगे, क्योंकि महान आत्मा थे। ऐसे ही कुछ आज एक सागर में एक घटना है, गुलाब चंद जी थे जो प्रधान अध्यापिका थी श्रीमती, उनके चार बेटे बेटियां हैं, दो बेटे हैं दो बेटियां हैं, चारों बेटों ने बाल ब्रह्मचारी व्रत लिया। आप वो प्रधान अध्यापिका थी, उसने गृहस्थी बसाई, लेकिन किसके लिए गृहस्थी बसाई, ये चार प्राणी का पुण्य कह रहा था कि तुम गृहस्थी में जाओ, क्योंकि अन्यत्र यदि मेरा जन्म हो गया तो हम संयम नहीं ले पाएंगे और तुम्हारी कूख से जन्म होगा तो हम संयम ले लेंगे। डॉक्टर सुधीर डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, उनकी दोनों जो बच्चियां हैं वे भी प्रोफेसर हैं, चारों के चारों ने पूरे परिवार ने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और अंत में उन दोनों माता पिताओं ने भी प्रतिमा धारण करके, कैसे पवित्र भाव, देखो एक भाव भी नहीं आया, एक बार भी नहीं कहा बेटा हमने तुम्हें पैदा इसलिए किया था क्या, कोई एक तो रुक जाओ वंश चलाने के लिए, नहीं, चारों के चारों अपने सामने ही संयम दिला करके, संयम के मार्ग को उत्साहित करके, और अंत में देखो बोलते समय जब उनके अंत में समाधि हुई, अभी कल की बात है शायद परसी आई है 28 तारीख की, और इतनी बढ़िया समाधि हुई, अंत में पूछा बोलते बोलते जा रही क्या करना है तुम्हें, चारों परिवार के रूप पूछते क्या करना चाहते हो, देखो सुनो उन्होंने क्या कहा, लो आलोक है जी। उन्होंने जो श्रीमान भागचंद जी की धर्मपत्नी थी श्रीमती गुलाबबाई जी, इनके दो पुत्र दो पुत्री डॉक्टर ब्रह्मचारी सुधीर जी, इंजीनियर ब्रह्मचारी सतीश जी, ब्रह्मचारिणी रविकांता दीदी जी और ब्रह्मचारिणी चंद्रकांता दीदी जी, इन्होंने जाते जाते अंतिम समय में घोषणा की अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र में जो मानस्तंभ गुफा मंदिर में बन रहा है उसमें 9 कलश की राशि से एक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया। दूसरा सौभाग्य श्रमण संस्कृति संस्थान में जो छात्रावास चल रहा है विद्वानों को तैयार करने का उसमें एक कक्ष का पूरा निर्माण करने का सौभाग्य अर्जित किया, और साथ ही इसके पूर्व नारेली क्षेत्र पर एक प्रतिमा विराजमान कर चुके हैं, जिनालय पूरा, चमलेश्वर क्षेत्र पर भी एक जिनालय बना चुके हैं, और चांदखेड़ी क्षेत्र पर जो पूरे निर्माण क्षेत्र बने हैं उन निर्माण क्षेत्रों में जो मांगी तुंगी बनाया गया है जिसमें भगवान राम भगवान हनुमान भगवान सुग्रीव इत्यादि सभी की प्रतिमाएं विराजमान करने का भी इन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया। ऐसे महासौभाग्यशाली पुण्यार्जक परिवार जो हमारी श्रीमती गुलाबबाई जी थी उनका देहावसान हुआ है, निश्चित रूप से उनकी सदगति हुई होगी। और ऐसे मरण के समय ऐसा भाव होना नियम से देवगति को ही जाता है, और अंतिम समय पर ये बात बोल रहे हैं वो अंतिम समय पर, और बोलते बोलते शांत हो जाना, ऐसे लोग जाकर के बहुत बड़ा पुण्य। देखो पहले तो पूर्व भाव से पुण्य आया कि संतान हुई तो ऐसी हुई कि पूरा का परिवार संयम मार्ग की तरफ मुड़ गया और सब योग्यता लेकर के भी इस मार्ग मुड़ गया, तो ये कहलाते हैं अपने आप में। ऐसे लोग ही गृहस्थी में जाकर के भी कीचड़ में रह करके भी अपनी जिंदगी को कमल के समान सुगंधित कर लेते हैं, बहुत आशीर्वाद, जहाँ गए हैं वहाँ भी आशीर्वाद। वो तो अपन यहाँ कह रहे हैं वो तो विदेश क्षेत्र में जाके समोषण में बैठ के भगवान की प्रवचन सुन रही होगी। जिज्ञासा करेंगे भाई भरतेश जी वैद्य परिवार, इसके बाद तैयार रहें। और ऐसे लोग स्त्री पर्याय में नहीं जाते, ऐसे लोग नियम से स्त्री पर्याय भी समाप्त होकर देव बन चुके होंगे, देव बनकर कर रहे होंगे ऐसे। इसके बाद तैयार रहें श्रीमती मेनका जी गड़ा कोटा।
हम सभी की जिज्ञासा रहेगी कि जब भी झांकी लगा देंगे उसमें मूर्ति रखते हैं बार बार वो गिर जाती है कि तो उसमें दोष लगता है कि नहीं। महाराज श्री ये जब कार्यक्रम होते हैं तो झांकी लगाते हैं और झांकी में छोटी छोटी मूर्तियां विराजमान करते हैं, वो मूर्ति यदि गिर जाए तो इनको दोष लगता है क्या? गिराना नहीं चाहिए लेकिन अब कोई बात नहीं, प्रतिष्ठित नहीं है, झांकी की है। और जब रात में मंदिर हटाते हैं तो उसमें दोष लगता है कि नहीं? मंदिर हटाते हैं हम लोग, बाद में झांकी मिटाएंगे तो मंदिर हटाएंगे वो नहीं दोष नहीं लगता। बच्चों के प्रश्न, अभी एक बच्चा आया है बोलो महाराज जी मैंने फटाके चलाने का त्याग तो कर दिया था, तो फिर मैंने कहा बोले महाराज जी दूसरे को देखकर थोड़ा भाव आ गया था, मुझे कौन से पाप का बंद हुआ? मैंने कि वारे बेटा, मतलब वो आया मेरे पास अभी, मतलब बहुत देर से घूम रहा था वो, बोले महाराज जी मेरे भाव हो गए थे जलाने के। मैंने जलाया तो नहीं, नहीं नहीं जलाया तो नहीं क्योंकि मना कर दे त्याग लिया था। मैंने कि जा तेरा कल्याण हो जाएगा, कोई पाप नहीं लगेगा। देखो उसको फीलिंग तो हो रही कि इसमें दोष लगता है, ये फीलिंग होना भी बहुत बढ़िया है। ठीक है बेटा आशीर्वाद। महाराज श्री ये अपने कुशल चंद जी वकील साहब जो नवगजरत महोत्सव में महामंत्री थे उनके नाती हैं और बड़े मंदिर में जिन्होंने बड़ा मंदिर बनाने का बड़ी प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य अर्जित किया वो समय महामंत्री थे, इनको आशीर्वाद दो। ये अभिनंदन उदय चीज क्षेत्र की नई टीम तैयार हो रही है महाराज जी, जिज्ञासा करें। मेरे आराध्य गुरुवर को मेरे और मेरे परिवार की ओर से त्रिकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि हम ग्रस्तों को अध्यात्म तो हाँ बोलो बोलो। महाराज श्री मेरी और मेरे परिवार की ओर से तिलकाल नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है अध्यात्म की दृष्टि से हम ग्रस्तों को धर्म बहुत जरूरी है लेकिन हम ग्रस्त उलझन में इतनी पड़ जाते हैं कि धर्म को भूल जाते हैं। जब उलझने आती है तभी धर्म करने लगते हैं, तो हम धर्म को आगे कैसे बढ़ाएं और इसके लिए कौन से भगवान को आराध्य मानें? देखो गृहस्थी में उलझने नहीं होती तो हम लोग बाबा जी क्यों बनते? या संसार विशेष को होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे खुश साधन करते संयम शो अनुराग। तो यही है गृहस्थ में तो उलझने हैं ही, अब उस उलझन में जितना अपना परिणाम शुद्ध रख सकते हो रखना चाहिए। इसके बाद जिज्ञासा करेंगे भाई पंकज जी सिमरा। महाराज श्री अपनी जितनी भी दान होते हैं उन दानों में ये देखा जाता है कि जो कमेटी के मेंबर होते हैं वो दूसरों को प्रेरित करते हैं, स्वयं नहीं देते हैं, लेकिन ये ललितपुर की कमेटी ऐसी है कि यहाँ के अध्यक्ष महामंत्री और जितने भी प्रबंधक हैं सभी दान देने में अग्रणी हैं। और इस बार अभी हमारे अध्यक्ष महोदय और महामंत्री महोदय दोनों ने देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए शिरोमणि संरक्षक, इसकी बहुत बड़ी कहानी है। ये दोनों लोग तो बचने का प्रयास कर रहे थे, मन की तुम्हें इस बात की सजा दी जा रही है कि तुमने अपने 10 साल की पंचायत काल में इतना अच्छा कार्य किया है कि तुम्हें दोनों क्षेत्रों का ट्रस्टी बनना ही है। हाँ जिसको धर्म से दूर आना है वो काम बिगाड़ेगा तो लोग कहें भैया इसको पास ही मत आने देना क्योंकि ये आएगा और काम। और जब कोई अच्छा कार्य करता है तो लोग हर व्यक्ति चाहता है, हर चीज चाहता है। 50 लोगों ने कहा महाराज जी ये अध्यक्ष की और महामंत्री की जोड़ी ये 10 साल हो गए ना दोनों को, हाँ तब से ये जोड़ी इतनी अच्छी है, पूरी समाज का इतना अच्छा वातावरण, इतना अच्छा इन्होंने समर्पण कार्य किया, सहयोग की सदा भावना रहती है। ये पदाधिकारी अध्यक्ष मंत्री थे, चाहते तो अभिनंदन तीर्थित बनने नहीं देते, पावर इनका, लेकिन इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मैं अध्यक्ष मंत्री हूँ मेरी हुकूमत क्यों नहीं। निर्माण कमेटी ने आज तक पंचायत की शिकायत नहीं की कि पंचायत ने हमें कहीं भी रोड़ा डाला है, इतना बढ़िया काल रहा। तो सब लोगों का कहना था महाराज जी सब लोग बन गए लेकिन ये उनके नाम तो आ ही नहीं रहे, ना सिरोंजी में आ रहे ना देवगढ़ में आ रहे। मैंने कि आएगा एक दिन सामने पड़ेगा, मैंने कहा
कि मैं तो आप जो बनाओगे वो बन जाऊंगा। तो मैंने कहा एक का नहीं दोनों का बनो, तो दोनों को शिरोमणि सदस्य बोल रहे। हाँ, देवोदय तीर्थ क्षेत्र में शिरोमणि सदस्य के रूप में, सतोदय तीर्थ क्षेत्र में परम संरक्षक के रूप में। नहीं, शिरोमणि दोनों। और जहाजपुर तीर्थ क्षेत्र पर संरक्षक के रूप में, और व्यायामशाला जो अभी कल अपनी घोषणा हुई उसमें भी संरक्षक के रूप में दोनों महोदय ने बिल्कुल अपने दोनों सतोदय क्षेत्र और देवोदय दोनों का शिरोमणि जी बिल्कुल आ जाए। अनिल जी अंचल, अनीता जी अंचल, अनुप्रिया जी, अपूर्वा जी, अनव जी, समस्त अंचल परिवार, और श्रीमती राजकुमारी जी, डॉक्टर अक्षय जी टड़ैया, मृदुला जी टड़ैया, अक्षिता जी टड़ैया और डॉक्टर अनिमेश जी टड़ैया, समस्त टड़ैया परिवार और समस्त अंचल परिवार। जब से सीए महान बना है तब से अच्छे अच्छे लोगों के विभाव आ रहे हैं जी। अब लोगों को लगने लगा है कि तीर्थ कहीं अच्छे लोगों के संरक्षण में जा रहा है, और महामहिम की घोषणा करते इनके बहुत अच्छे अच्छे लोगों के अब मन बन रहे हैं कि हम तीर्थ क्षेत्र को संभालेंगे। चल देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए और भी नाम प्राप्त हुए हैं, श्रीमान प्रदीप कुमार जी सतरवास, श्रीमान सर्वेश जी निर्मल ट्रांसपोर्ट, श्रीमान संजीव जी सोनू बंसल तेल परिवार, श्रीमान प्रदीप जी दीवान किराना परिवार, श्रीमान डॉक्टर अनिल जैन। और देखो दोनों आज पहली किस्त लेकर के ही माला पहनी है, पहली किस्त लेके आए। श्रीमान अभिषेक जी खजुरिया परिवार, श्रीमान सुरेंजन मोदी डब्बू जैन परिवार, श्रीमान महेश जी अनोरा परिवार, श्रीमती वर्षा जी धर्मपत्नी श्री मनीष जी मंगोड़ी परिवार, श्रीमान प्रकाश जी समस्त मयूर परिवार, श्रीमान देवेन जी सुनीता जी वंट वाले परिवार, श्रीमान जीवनधर लाल जी, सौरभ जी वैभव जी एडवोकेट परिवार, श्रीमान जिनेश जी, मनोज जी, नीरज जी समस्त परिवार, श्रीमान नमन अनूप जैन सराप परिवार, जिज्ञासा के लिए तैयार रहें। मेरे परिवार के इष्ट आराध्य गुरुवर, दो ही गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, देवगढ़ की जो 6 तारीख को मीटिंग रखी गई है गुरुवर, इसमें हम लोग क्या कैसे क्या तैयारी करेंगे? देखो 6 तारीख को सबसे पहला बहुत बड़ा, जितने लोग ट्रस्टी बने हैं संरक्षक, उनकी 6 तारीख के पहले प्रथम किस्त आना अनिवार्य है, क्योंकि जब तक प्रथम किस्त नहीं आएगी, विधान का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, संशोधन भी हो चुका है सब, उसमें वही व्यक्ति भाग ले सकेगा, उसी के रजिस्टर पर दस्तखत हो सकेंगे जिसने पहली किस्त जमा। तो जितने भी लोग बने हैं तो सब जो जिसमें, चाहे वो महामहिम बने हो, चाहे वो संरक्षक बने हो, चाहे सबको प्रथम किस्त जमा कराना अनिवार्य है 6 तारीख के पहले। यदि 6 तारीख को नहीं हुई तो फिर तारीख बढ़ाना पड़ेगी, लेकिन जब तक सदस्यों की प्रथम किस्त नहीं होगी तब तक मीटिंग लेना बहुत कठिन है। मीटिंग तो हो जाएगी लेकिन फिर चुनाव नहीं हो पाएंगे। तो 6 तारीख को यदि सभी की प्रथम किस्त आ गई तो चुनाव भी हो जाएगा, और किस्तें नहीं आई तो फिर मीटिंग तो होगी और डिस्कशन तो होंगे लेकिन चुनाव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब चुनाव कोई ऐसे ही नहीं चलेगा 4 लोग बैठ के कर लो, पूरा चुनाव विधिवत विधान के अनुसार ही होगा। इसलिए सबको ये सूचना दे दें, और यही सूचना रहेगा सतोदय तीर्थ से श्रोण का जो 9 तारीख को दोनों की सूचना बोल दें। सभी महानुभाव जिन्होंने संरक्षक या परम संरक्षक के रूप में सतोदय और देवोदय तीर्थ क्षेत्र में अपनी सदस्यता हासिल की है, उन सभी से निवेदन के अपनी प्रथम किस्त चुनाव की डेट के पूर्व अपनी जमा करा दें, देवोदय की 6 नवंबर और सतोदय क्षेत्र के लिए 9 नवंबर, उसके पूर्व अपनी प्रथम किस्त जमा कराएंगे तो आपको वोट देने का अधिकार उसमें प्राप्त हो जाएगा। और कमेटी वाले कमलेश हैं, वो जितने लोग बने हैं उनको सबको सूचित भी कर दें जी। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती मेनका जी गड़ाकोटा, तैयार रहे श्रीमान राजीव जी कांसल आरोन। देवोदय तीर्थ क्षेत्र के लिए गुरुदेव, ये मंगलवार भक्तांबर पाठ जो मंडल है इसके पूरे 18 के 18 सदस्य, और ये हमारे इस भक्तांबर की बिल्कुल रीढ़ हैं, रात्रि कालीन है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और देखो अभी अभी थोक के थोक में आएंगे, अभी जिन्होंने 50-50 सदस्य बनाने के लिए, कल पूरी व्यायामशाला, कल तो ऐसा चमत्कार हुआ, सब लोग कहते महाराज जी पहलवान लोग भी दान देते हैं क्या? पहलवान लोगों की तो बुद्धि ठस होती है ठस, और उनके दिमाग में भी घुस गया
कल पहलवान लोगों ने जो व्यायामशाला के लिए समर्पण दिखाया, सब तरफ उसकी बहुत प्रशंसा है। और गजब तो देखो, व्यायामशाला के ही 25 से ऊपर सदस्य देवोदय तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी बनने के लिए संकल्पबद्ध हैं, और वो एक दो दिन में पूरी लिस्ट आ रही है। चलो जी, और महाराज जी जितने भी रात्रि मंडल हैं, सभी मंडलों ने इस भक्तांबर पाठ को अखंड बनाने में बहुत अपना योगदान दिया। बहुत एक बार जोरदार तालियां सभी रात्रि मंडलों के सम्मान में। और गुरुदेव श्री रतन चंद, दिनेश कुमार, रमेश, महेश, नीलेश, समस्त गुरसोरा परिवार देवगढ़ की पूरी एक मुस्त राशि संरक सदस्य की जमा करा रहे हैं। देवोदय में सनत कुमार, महेंद्र कुमार, अशोक कुमार, प्रशांत प्रकाश, बड़कुल बंट वाले परिवार, और श्रीमान श्रीमती शशि प्रभा, पंकज जैन, दीपिका, श्रियांश जैन, भव जैन, जिजियान वाले परिवार। गुरुदेव सतोदय में भी हमारे पास लगभग आज 30 नाम हैं। सतोदय तीर्थ सेरोन जी के लिए संरक्षक अभय कुमार जैन जखोरा, ऋषभ कुमार जैन जखोरा, प्रदीप जैन जखोरा, नितिन जैन जखोरा, श्री अभिनंदन जैन कुमेड़ी, श्री निर्भय कुमार जैन टीकमगढ़, श्री राजीव जैन सोरई गल्ला मंडी, श्री नीतेश बिलौआ जखोरा गल्ला मंडी, संजय जी दसिया दसिया बेग हाउस, रवि रतन जैन किसान मित्र, मुकेश जैन परिवार सैदपुर। ये नीतेश जी बिलौआ ने पूरे अपने सभी साथियों के साथ, जिन्होंने डोम पंडाल का उद्घाटन किया था, उन्होंने सदस्य बनाए हैं। श्रीमान केवल चंद जी, राजकुमार जी, लागौन वाले, आदिश जैन अभिषेक, सतोदय क्षेत्र के संरक्षक, श्री गुलाब चंद जैन, मालती जैन, देवेन जैन, सुलेखा स्नेहा सेरोन जी वाले, श्री सरोज जैन जय कुमार, श्रीमती संगीता हनी भारिल, इलाई चौरा। कई लोग तो ये कर रहे हैं कि 5 साल को कौन क्या पता किसने देगा, 5 साल के एक साथ ही किसने दे रहे हैं नगद। हाँ, पूरे 5 साल के जी। सुषमा जैन, विनोद जैन, विपिन, रागनी, असाय, लवली, लक्ष, भारिल परिवार बरोदा स्वामी, श्री प्रकाश चंद, महेश कुमार, रोहित कुमार, शुभम जैन अनोरा वाले, अजय आरजब अनोरा परिवार, देवेंद्र कुमार, अमित कुमार, प्रियंक कुमार बरिया दैल वाले परिवार, सवाई सिंह, सुंदरलाल, पुष्पेंद्र कुमार सिंह अनोरा परिवार, अरविंद कुमार जैन LIC, ज्योति जैन, अपूर्व जैन, कीर्ति जैन, रीतेश जैन, समस्त LIC परिवार। जिज्ञासा करें, ऐसे लोगों के जो परिणाम होते हैं, देखो 5 साल की छूट कमेटी से दे रहे, पर इनके मान कल किसने देखा है, आज ही देव, ये कितना बड़ा दान है। बनियाई वृत्ति सोचता 5 साल का ब्याज पहले से कैसे दे दूं, लेकिन पहले से दान इनको इसी प्रकार के लोग ऐसा पुण्यबंध कर लेते हैं कि कई बार इन लोगों के ऐसे पुण्य सामने आते हैं कि किसी भी कार्य में हाथ डालते हैं वो माटी सोना होना शुरू हो जाती है कि छूट कमेटी दे रही, और कहते नहीं हमें छूट नहीं चाहिए, हम तो आज ही दे रहे हैं सारा का सारा। ये बहुत बड़ी परंपरा है, अच्छी परंपरा है। महाराज श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र के जो संरक्षक सदस्य हैं वो आज पूरे 108 हो गए। महाराज श्री सतोदय तीर्थ क्षेत्र 121 अभी बढ़ते चलो अभी। जो इसके मुख्य कार्यकर्ता हैं हमारे मुकेश जी नेता, इन्होंने अभी तक करीब 70 सदस्य बना दिए, और इनका लक्ष्य है कि हम 6 तारीख के पहले, 9 तारीख के पहले पहले तक 108 ये स्वयं बना देंगे। इतने आ जाए भूमि श्रीफल अर्पण करके अपना संकल्प पूरा करें। जिज्ञासा करें, श्रीमती मेनका जी गड़ाकोटा तैयार रहेंगे, श्रीमान सुनील जी अशोक नगर। महाराज श्री नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि महाराज जी सहयोग परिवार में रहते हुए भी बड़े बुजुर्ग बोली वगैरह दान दे देते हैं, तो उसका पुण्य पूरे सहयोग परिवार को लगेगा लेकिन उन्हीं को बस? सब पूरे संयुक्त, क्योंकि वो पैसा संयुक्त परिवार में से जा रहा है तो बराबर सबको लगेगा, बस दूसरा व्यक्ति विरोध नहीं करे। तो यदि ये कहे बहुत अच्छा तुम दान दे के आए तो बराबर पूरे परिवार को बढ़ जाएगा, और यदि ये कह दिया तुम ही अकेले थे बोलने वाले, तुमने क्यों नहीं पूछा, तो फिर उस व्यक्ति का नंबर कट जाएगा। बाकी यदि अनुमोदना करते हैं तो पूरे परिवार को लगेगा, बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलने की तो मर्यादा है। जैसे आपके समाज में ज़्यादातर पुरुष बोलते हैं तो महिलाओं का विचारों का तो कभी कल्याण होगा ही नहीं। 50% पति यदि दान बोल के आता है तो 50% दान पत्नी के खाते अपने आप जमा होता है कानूनन। फर्क इतना है कि वो घर में जाके झगड़ा नहीं करे। यदि वो ये कह देंगे बहुत अच्छा हुआ आप ध्यान दे के आए, तो बराबर महिला को लगेगा
सारे परिवार को लगा। महाराज जी दूसरा प्रश्न है, व्रत कैसे करें और इष्ट देव किसको माने महाराज जी? जनन देव को, जिनको अच्छा लगे। हे गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। सभी क्षेत्रों पर मूल नायक पर अभिषेक शांति धारा होती है, लेकिन शहरों और गायों में गाँव में जहाँ अभिषेक का जल गंदों तक निकलने की व्यवस्था है, फिर भी मूल नायक पर अभिषेक शांति धारा न होते हुए सिर्फ कपड़े से प्रक्षालन परिमार्जन होता है व्यवस्था है, क्योंकि शहरों में घरों में क्या होता है, उस वेदी पर बहुत सारी मूर्तियां होती हैं और मूर्तियों को उठाना रखना बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, और जहां बहुत अच्छी व्यवस्था है अब मूर्ति में एक वेदी पर एक ही मूर्ति बैठा लो तो सब व्यवस्थाएं हो जाए। अब यहां तो इतनी है कि भगवान को हिलने को भी जगह नहीं है। अब उन बड़ी मूर्ति पकड़ो, पहले सब उठाओ, वैसे करो तो उनका अभिनय होता है, लोग वेदी पर चढ़ते हैं और वहीं फिर बाद में भगवान को विराजमान करना है। तो ये सारी अव्यवस्थाएँ हैं। क्षेत्रों पर बड़े भगवान होते हैं, वहाँ कोई दूसरे इतने छोटे भगवान नहीं होते। आज बताओ कुंडलपुर में दूसरे भगवान कौन से, वहाँ बोलो कोई भगवान नहीं। ठाट से करो ना अच्छे से, और तुम्हारे शहर गांव के मंदिरों में देख लो ऐसे बड़े हैं, ठटा ठट भरा हुआ है। और हमारे बड़े भाई के भाव सिद्ध चक्र विधान दयोदय दशरोदय अतिथि थोबंजी में करवाने के हुए हैं, उनके लिए आशीर्वाद नमस्ते आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहें कुमारी प्राची जी, हिमांशी जी भोपाल, और इसके बाद जिज्ञासा के लिए तैयार रहेंगी श्रीमती श्रद्धा जी पुणे महाराष्ट्र। महाराज श्री आज हमारे बीच में पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज श्री के जो परिवारीजन हैं, जो कि झारखंड से उनके भतीजे हैं, झारखंड से इनको राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त है और झारखंड बोर्ड न्यास के ये अध्यक्ष भी हैं, ऐसे श्रीमान ताराचंद जी, अशोक कुमार जी छावड़ा, राजेश कुमार जी छावड़ा यहाँ पर हैं, आए और श्रीफल अर्पण करके गुरुवर का आशीर्वाद ग्रहण करें। जिज्ञासा करेंगी कुमारी प्राची जी और हिमांशी जी भोपाल। जिज्ञासा करें। गुरुदेव के चरणों में मेरे पूरे परिवार की ओर से बारंबार। हेलो, बोले आप, बोले माइक चालू। देवोदय क्षेत्र के लिए दो नाम और आए हैं गुरुदेव, श्री राजेश जी बड़कुल अमरा वाले परिवार एवं श्री एसपन सिंघई जी जीएसटी ऑफिसर, ये दो नाम। और ये हमारे बीच में डॉक्टर राजकुमार जी अंगूरी जैन, प्रियंक जैन, सिरोन जी वाले, आपने सतोदय क्षेत्र के लिए परम संरक्षक सदस्य बनने का सौभाग्य हासिल किया, पांच कलश की राशि से आए श्री फल अर्पित करें। जिज्ञासा करें। महाराष्ट्र, ये प्रश्न मेरे पापा का है, उनका प्रश्न है, हमने पंच कल्याणक में देखा है कि देवों को पालकी नहीं उठाने देते क्योंकि देव संयम धारण नहीं कर सकते, फिर उसी पंच कल्याणक में मनुष्य को संस्कार देकर देव क्यों बनाया जाता है? वो नियोग है, जिसका जो कार्य है उस कार्य को उसी के लिए, पंच कल्याणकों में प्रकृति ने उनको निश्चित किया, विधानों वगैरह में तो देव अपन लोग बना लेते हैं, बाकी पंच कल्याणक में तो नियोग है कि स्वधर्म इंद्र के बिना जन्म कल्याणक नहीं बनाया जा सकता, तो प्रकृति ने उनको नियोग पद धारण किया। चूंकि जहाँ संयम की बात आई तो उस संयम का मंगलाचरण करने के लिए उनको आयोग कर दिया गया। जैसे कई पद होते हैं जैसे जो उसी पद पर रह करके व्यक्ति कार्य कर सकता है, बाद में उसके अलग भी रिटायरमेंट भी होता है, तो वो नियोग ऐसा है कि उसके अलावा दूसरा कर नहीं सकता, पंच कल्याणक का ऐसा मानना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती श्रद्धा जी पुणे महाराष्ट्र से, इसके बाद तैयार रहें श्रीमान राजीव जी कांसल अशोक नगर। महाराज जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी मेरा क्वेश्चन, अधोलोक में जो सात पृथ्वी और सात नरक हैं, उनमें वो एक ही है क्या? पृथ्वी और नरक एक ही होते हैं क्या? वो उनमें अंतर है? दोनों अलग होते हैं, सात पृथ्वियां होती हैं, नरक बिल होते हैं अलग अलग, किसी में 30 लाख वृक्ष बिल हैं, किसी में अलग अलग होते हैं, तो इन सारे बिलों की संख्या लगभग 84 लाख कुछ ऐसे है, हाँ 84 लाख नरक होते हैं और पृथ्वियां सात होती हैं, ऐसा मानते हैं। जिज्ञासा करें श्री राजीव जी कांसल, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती प्रियंका जी गड़ागोटा। पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में आरी गवा श्री आदर्शमती माता जी का त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सकल जैन समाज आरोन मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, क्या तीर्थंकर प्रवृत्ति का बंध
बंद की तरह सामान्य केवली का भी बंद हो सकता है क्या? तीर्थंकर केवली की प्रकृति की बंद की तरह सामान्य केवली का बंद भी हो सकता है? नहीं, केवल सामान्य केवली कोई कर्म प्रकृति नहीं है, वो आत्मा के परिणामों का छायक रूप बना है, उसका अलग से बंद नहीं होता। वो तो पुरुषार्थ तो ध्यान करने से, आवरण के क्षय करने से आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। नमोस्तु, नमोस्तु। जिज्ञासा करें, श्रीमती प्रियंका जी गड़ाकोटा, तैयार रहें श्रीमती रेखा जी बीना। महाराज श्री नमोस्तु, मेरा प्रश्न है, हम लोग घर के सब लोग बहुत धर्म करते हैं, लेकिन हम लोग के घर में विपदा आती रहती है जब से हम लोग नए घर में आए हैं। महाराज जी ऐसा क्यों? मैं क्या बताऊं ऐसा क्यों? अब यही है भाई, घर में नए में आए हो, वास्तु से कोई गड़बड़ी हो वास्तु दिखा लो। और कई बार स्थान का भी महत्व तो होता तो है ही, नहीं तो पुराने घर में पहुंच जाओ। ठीक बात है, पुराना घर तो किराए का था महाराज जी, अब खुद का घर है। अब वो देख लेना चाहिए, उसको जो जानकार लोग हैं वास्तु आदि उसको दिखा लेना चाहिए। जिज्ञासा करें श्रीमती रेखा जी बीना, इसके बाद तैयार रहे कुमारी आस्था बजाज जैन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि बच्चे मेहनत तो करते हैं पर उन्हें उसके हिसाब की सफलता नहीं। शांति आगे। कुमारी आस्था बजाज, शीघ्रता से खड़े हों जिनका नाम है। अगले तैयार रहें कुमारी सची बीना। व्यक्तिगत समस्याओं का प्रश्न ना करें, आगम का सिद्धांत, क्योंकि ये माइक सारा विश्व सुन रहा है, उनको व्यक्तिगत समस्याओं के लिए लाइव नहीं चल रहा है। जो शंकाएं हैं धर्म संबंधी वो करें, व्यक्तिगत समस्याओं के लिए न करें। जिज्ञासा कुमारी आस्था बजाज, इसके बाद तैयार है कुमारी सची जैन बीना। नमोस्तु महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि आपके पाद प्रक्षालन में जब महिलाएं कलश में हाथ लगा सकती हैं और ऊपर से जल डाल सकती हैं, तो श्री जी के अभिषेक के दौरान मना ही क्यों है? क्यों डालते हो? दूसरी बात, पहली बात सुनो, सुनो बताता हूं। कोई बहू है और ससुर साहब चौके में जा रहे हैं, कमरे के बाहर चौके के अंदर, तो वो बहू ससुर के पैरों पर पानी डाल सकती है? नहीं डाल, तो फिर नहा भी सकती है? बोल रहे मानो बहू है तो पैर डाल दिया पानी के, पापा जी पैर डालो, तो फिर वो बहू नहा भी सकती है ससुर साहब को? तो नहाने में पैर में डालने में कितना अंतर? एक महिला किसी के भी पैरों पर पानी डाल सकती है आप लोग घरों में, लेकिन वो स्नान नहीं करा सकती। स्नान कराना अलग चीज है और पाद प्रक्षालन करना अलग चीज है, फिर भी करना नहीं चाहिए। मैं तो मना ही करता हूँ, लेकिन तुम ही लोग नहीं मानती, मैं क्या करूं? महाराज जी श्री जी के चरण, फिर भी अभिषेक पाद प्रक्षालन में और अभिषेक में बहुत अंतर है। मैंने कितना सरल उदाहरण दिया, एक बहू ससुर के पैर पर पानी पैर धुला सकती है, लेकिन ससुर को नहला नहीं सकती। जिज्ञासा करें कुमारी सची जैन बीना, इसके बाद तैयार रहे श्रीमती सविता जी गुरदानी, रानी जैन, दिव्य देशना मंडल, सिरोंज पाठशाला। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा यह है कि जब कौरव और पांडव का युद्ध हुआ था, तो महाराज जी कौरव तो मर चुके थे पूरे उनके, लेकिन महाराज जी जब वो पांडव जी मुनि बने थे, तो उनके लिए जो आभूषण गर्म गर्म आभूषण पहनाए गए थे, तो महाराज जी वो किसने पहनाए थे? वो जो दुर्योधन के पक्ष के लोग थे, क्योंकि सारे रिश्तेदारी थोड़ी मर गए थे, तो जो उनके पक्ष के लोग थे, जो उनके ससुराल वाले पक्ष के लोग थे, जिनकी बहुएं जिनकी बेटियां विधवा आदि हुई थी, उनके आक्रोश के कारण से उन्होंने ये बदला लिया था। जिज्ञासा करें श्रीमती सविता जी गुरदानी, रानी जैन, दिव्य देशना मंडल, सिरोंज पाठशाला के, और इसके बाद तैयार रहे श्री प्रबंध जैन गड़ाकूटा। हे भगवान, सिरोंज नगर में सत्संग विराजमान
आरिका श्वेतमती माता जी का आपके चरणों में कोटि कोटि नमन नमन नमन। मुनिश्री 108 निर्णय सागर पाठशाला सिरोंज एवं पाठशाला परिवार का आपके चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि क्या हम पाठशाला में आधुनिक उपकरण टीवी आदि लगाकर यूट्यूब के माध्यम से बच्चों को अध्ययन करा सकते हैं? कोई बात नहीं, आज का LCD वगैरह बोलते ना जिसको, हाँ लगा सकते। भुज महाराज जी चरणों में नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। आपने बताया था कि ग्रंथ को कंठस्थ करना है, तो क्या हम उस कंठ तत्वार सूत्र को कंठस्थ कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कोई बात। जिज्ञासा करें भाई श्री प्रबंध जी गड़ाकोटा, इसके बाद अंतिम जिज्ञासा के लिए तैयार रहें श्रीमती क्रांति जी ललितपुर। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ और हिंदू दर्शन में अयोध्या का बहुत महत्व है, किंतु हमारे 5 तीर्थंकर का जन्म अयोध्या में हुआ और हम जैन या फिर जैन दर्शन या हम खुद उस अयोध्या को इतना महत्व नहीं देते हैं, तो इसमें किसका दोष है और इसका जैन दर्शन क्या है? जैन दर्शन भगवानों के जन्म स्थलों को उतना महत्वपूर्ण नहीं मानती, निर्माण स्थल को मानती। अन्य लोगों में जन्म स्थान का ज़्यादा महत्व है, उनके यहाँ निर्माण स्थान नहीं होते, उनके यहाँ भगवानों का निर्माण स्थान कोई नहीं, यहाँ से भगवान मोक्ष पधारे, यहाँ से निर्माण हुआ, ऐसा कोई भी उनके यहाँ स्थान नहीं है कि उनके भगवानों का निर्माण स्थल कौन सा है, वो जन्म स्थल ही मानते हैं ज़्यादा। और दिगंबरों जैनियों में जन्म स्थान को मानते तो हैं, लेकिन महत्व जो है निर्माण स्थल को दिया जाता है, ये अपनी अपनी विचारधारा है। अच्छा, उनके बाद आपने जन्म स्थान की बता दी, अब उनके रामचंद्र जी, उनके अनुसार उन रामचंद्र जी का निर्माण स्थल कौन सा है, कहाँ से गए मोक्ष हो, कोई निर्माण नहीं, अंतर ध्यान हो जाते हैं सब। तो ये अपनी अपनी वैचारिक परंपराएं हैं जो अपने अपने ढंग से लोग मानते हैं। एवं गुरुदेव, जो हमारे जो कई तीर्थ क्षेत्र हैं जो जैनियों के हाथ से जा रहे हैं, जिसमें हम को बढ़ चढ़ कर भाग नहीं ले रहे उन्हें बचाने में, प्रयास तो सभी कर ही रहे हैं। अब देखकर युग है, काल युग है, हर चीज को आज कर क्या है, जिसकी लाठी उसी की भैंस। आज बल दल बल का जो जमाना है, तो जैनियों के दल और बल की कमोरी के कारण से ये सब हो रहा है। अब इसको अपन यही माने कि ऐसे काल में है जहाँ दल भी हमारा कम है और बल भी हमारा कम है, उसके दुष्परिणामों के कारण से ऐसी स्थितियाँ आती। महाराज श्री, हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? जम के लग जाना चाहिए। आज की अंतिम जिज्ञासा करें श्रीमती क्रांति जी ललितपुर। संग की जाए, एक मिनट रुक जाए, जरा रुक जाए। जैसे कोई स्त्री पुरुष यदि तबीयत खराब हो जाने पर पानी करने अमली हो, तो सवेरे मंदिर जाने के बाद पहले पानी पी लिया हो, तो मजा जी उसका क्या प्रायश्चित है? सावधानी रखो, नियम का ध्यान रखना चाहिए। ध्यान ध्यान में क्या अंतर है? ओ विशाल, श्री मनीष जैन नायक, नायक ज्वेलर्स परिवार, देवोदय तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक सदस्य बनने। आज का जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आज पूज्य गुरुवर की आरती करने का सौभाग्य प्राप्त किया, जहां पर आज पूज्य गुरुवर की नवदा भक्ति पूर्वक आहारचर्या संपन्न हुई, ऐसे समता जी, संतोष जी, श्रीमती सरोज जी, प्रकाश चंद जी, डॉक्टर चक्रेश जी, जयकुमार जी, संगीता जी, विपिन जी, रागनी, सुरभि, अरियंत, ब्रह्मचारी सौरभ भैया जी, समस्त भारल्य परिवार, बरोदा स्वामी ललितपुर आ जाए, समस्त परिवार आ जाए। केवल परिवार के सदस्य ही आरती आगे आकर के करेंगे, बाकी सभी अपन पीछे से आरती करेंगे। और एक हमारे बीच में जो सम्मानी झारखंड से राज्य मंत्री दर्जा प्राप्त छोटे भाई दादा गुरु के भतीजे गृहस्थ जीवन के पधारे हैं, श्री अशोक कुमार जी छाबड़ा, राजेश जी, राजकुमार जी, वो भी आ जाएं और आज की आरती में सम्मिलित हों। आ जाएं सभी लोग झारखंड से जो आए हैं और आरती करें। एक सौभाग्य और कौन सौभाग्यशाली है जो आज की आरती करेगा मात्र 5100 रुपए। देखो, सिरोंज के व्यक्तियों में अभी जो एक व्यक्ति का नाम बुलाएगा इसमें 17 बना लिए, ऐसी बात नहीं है।
पूरी सिरोन कमेटी लगी हुई मेहनत कर रही है। कभी कभी क्या है, एक आध व्यक्ति अपना नेतागिरी दिखाने के लिए सामने आ जाता है, जो एक ही व्यक्ति ने नहीं बनाया, वो पूरी कमेटी ने बनाए और पूरा ललितपुर एक दूसरे के प्रति बनाने के लिए संकल्पबद्ध रहो। कौन सौभाग्यशाली है जो आज की आरती करने का सौभाग्य हासिल करेगा? आ जाइए, नाम बता दीजिए। श्रीमान सुरेश सेन जी जबलपुर से, हमारे परम पूज छुल्लक श्री गंभीर सागर जी महाराज के गृहस्थ जीवन के परिजन हैं, आ जाएं और आज की आरती का सौभाग्य हासिल करें। झारखंड वाले हैं क्या, चले गए? सुन तो ले उनने महाराज जी ने। आरती प्ले कर दें, आरती कॉर्डलेस दे दो, दीदी पढ़ देंगी। माइक नहीं चल रहा क्या? कॉर्डलेस दे दो, दीदी पढ़ देंगी आरती। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमा, श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिशय तीर्थ क्षेत्र स्टेशन रोड सिविल लाइन ललितपुर उत्तर प्रदेश, प्रबंधक श्री राजेंद्र जैन धनवारा पूर्व पार्षद 9889888555, प्रबंधक श्री मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद 9450037469, अंतर्गत श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति रजिस्टर्ड ललितपुर उत्तर प्रदेश, अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल 9415112333, महामंत्री डॉक्टर अक्षर जैन टड़ैया 9415509458, सीनियर मैनेजर सरत कुमार जैन मलया 7080732808। बैंक का नाम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, शाखा SVJ इंटर कॉलेज ललितपुर उत्तर प्रदेश 284403, खाता नाम श्री पार्शना दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल मंदिर स्टेशन रोड ललितपुर, खाता क्रमांक 5269974732, IFSC कोड CBIN02832977। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A में आयकर मुफ्त रहेगा।